नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी कलह अब काफी हद तक साफ दिखती नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी इसका खास असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर बात करें तो ऐसे वायदे हैं जो कैप्टन पूरा नहीं कर सके, यानी कि वो वायदे जिन्हें कैप्टन को पूरा करना था जनता से, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन वायदों को पंजाब का जो नया सीएम होगा वो पूरा कर पाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां बहुत हद तक अलग ही होती नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में आने वाले समय की स्थितियां ये बता रही हैं कि पंजाब का विधानसभा चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जो है हालांकि एड़ी चोटी का जोर तो लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उससे साफ पता चलता है कि वाकई में आने वाले समय का माहौल अलग नजर होता दिखाई देगा। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। भले ही पंजाब की सियासत में आए भंवर में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी चली गई हो, लेकिन उनके बाद जो भी सत्ता संभालेगा उसके सामने ड्रग्स और बेअदबी जैसे मामलों को लेकर जनता से किए गए वायदों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। दरअसल अगर देखा जाए तो पंजाब विधानसभा चुनाव को 6 महीने से कम का समय बचा है, जबकि कांग्रेस के 18 सूत्रीय एजेंडे के मुताबिक पंजाब के लोगों की समस्याएं अभी भी वहीं की वहीं हैं। ऐसे में जिस 18 सूत्रीय एजेंडे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा, क्या उस एजेंडे को नया सीएम पूरा कर पाएंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कैप्टन की कुर्सी जाने के पूरे सियासी प्रकरण के बाद चीजें और समस्याएं वहीं की वहीं होंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ धोखा किया, वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पूरी तरह से हमदर्दी दिखाते हुए कैप्टन के साथ जो धोखा किया इस बात को कैप्टन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पर विश्वास किया था। और अचानक जिस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी सिद्धू के भरोसे को तोड़ दिया, इससे काफी हद तक स्थितियां अब अलग होती नजर आ रही हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से फिलहाल पंजाब कांग्रेस में जो सियासी घमासान है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासी घमासान ये बता रहा है कि आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो ये बताता है कि सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है, नवजोत सिंह सिद्धू को जो जिम्मेदारी दी है, काफ़ी हद तक सोनिया ने बहुत बड़ी जल्दबाजी कर दी। सोनिया गांधी अगर बड़ी जल्दबाजी नहीं करती तो शायद इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखना ये होगा कि जो अधूरे वायदे कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए हैं, क्या उन वायदों को पूरा करना पंजाब कांग्रेस के जो स्थिति है अगर बात करें सरकार, क्या वो पूरा कर पाएगी, क्या जो नया सीएम बनेगा वो पूरा कर पाएगा, यानी कि तमाम इस वक्त स्थितियां जो हैं वो काफ़ी घोलमोल हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस का सियासी मसला जिस स्तर पर पहुंच गया है इसका पूरा पूरा फायदा आम आदमी पार्टी उठा सकती है और कांग्रेस को पंजाब विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।